हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और यह व्लॉग आपको, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के बारे में नहीं है यह व्लॉग भगवान जगन्नाथ जी के बारे में है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर ओडिशा में है और यह हमारे हिंदुओं के चार धाम के मंदिरों में से एक धाम का मंदिर कहलाता है। बहुत विशाल मंदिर होने के साथ साथ ही इस मंदिर के अनेकों रहस्य हैं, तो चलिए एक एक करके उन रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर का जो ध्वज है वो हमेशा ही विपरीत दिशा में लहराता है, अर्थात जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा में मंदिर का ध्वज नहीं लहराता। और ऐसा क्यों है आज दिन तक ये किसी को भी पता नहीं चला है। दूसरा, मंदिर के जो शिखर है उस पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप कहीं से भी उसे देखें तो ऐसा लगता है कि उस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। अगला रहस्य है जगन्नाथ मंदिर का, ये है कि हर मंदिर या हर इमारत के ऊपर से पशु पक्षी निकल कर जाते हैं, लेकिन 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 जगन्नाथपुरी जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी उड़ता नहीं पाया गया है, ना ही उसके ऊपर से कभी भी कोई हवाई जहाज गुजरा है। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाती है, और जैसे ही आप अपना कदम बाहर रखते हैं वैसे ही आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर समुद्र की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं। जबकि समुद्र से यह मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ को नहीं सुनाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में भक्तों के वितरित हेतु जो प्रसाद बनाया जाता है और जो भगवान जी को समर्पित प्रसाद चढ़ाया जाता है वो 7 बर्तनों में एक साथ बनाया जाता है, और बर्तन भी एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है उसका प्रसाद सबसे जल्दी पकता है, और यह प्रसाद इतना होता है कि रोज आने वाले भक्तों के लिए भी कभी कम नहीं पड़ता, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं वैसे ही आपका प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मान्यता यह है कि जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान रहते हैं। हमारे मन में ये हमेशा प्रश्न उठता है कि ये रथ यात्रा क्यों की जाती है, तो रथ यात्रा इसलिए की जाती है क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने एक दिन अपने भाई से इच्छा जाहिर की कि उन्हें नगर दर्शन करना है। उनके भाई, दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन्हें रथ में बिठा करके नगर के दर्शन करवाने हेतु चल पड़े थे, और यह नगर का दर्शन करवाते करवाते वह अपनी मौसी के घर पहुंच गए थे। तो ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार तीनों ही अपने अपने रथों में सवार होकर के अपनी मौसी के घर मिलने जाते हैं, और वहां से मंदिर प्रांगण से उनकी मौसी के घर की दूरी लगभग लगभग 3 किलोमीटर की है। आज भी पुरी के लोग उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं, और इस महीने में, आषाढ़ महीने में ही सुभद्रा जी को घुमाने के लिए, नगर यात्रा के लिए ले जाते हैं। रथ में बिठा करके पूरी नगर की यात्रा करवाई जाती है, और यह यात्रा मौसी के घर जा कर के समाप्त होती है। ये थे कुछ रोचक तथ्य जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार दीजिएगा। जय जगन्नाथ लिखिएगा। जैसे नटखट श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे वैसे ही नटखट श्री कृष्ण अपनी युवा अवस्था में भी रहे, और
वही नटखटपन आज हमें उनके द्वारा स्थापित मंदिरों में भी देखने को मिलता है। कृष्ण के द्वारा जहाँ जहाँ कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ कहीं ना कहीं कृष्ण अपनी लीलाएं रचा रहे हैं और अपनी लीलाओं से समस्त संसार को अवगत करा रहे हैं और अपना प्यार भक्तों पर बरसा रहे हैं।